हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरडी व्लॉग्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हो दुबई में, काफी क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड ये आ रहे हैं कि अगर हम इंडिया से वर्क परमिट पे आते हैं तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एजेंट क्या कुछ ट्रेनिंग करवाता है। और दूसरे क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहे हैं कि भाई हम विजिट वीजा पे है और यहाँ पे हम अगर सिक्योरिटी जॉब अप्लाई करने के लिए जाए तो हमसे क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चनों के डाउट आज क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो में मेरे साथ है समी, और उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंटरव्यू को अच्छे से फेस करना है, क्या आंसर देना है और क्या कुछ प्रिपरेशन रखनी है, जिससे आपकी सिक्योरिटी गार्ड में जॉब मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई, जब आप इंडिया में इंटरव्यू दोगे किसी भी एजेंट के थ्रू, तो सबसे पहले क्या होगा, वो आपका इंग्लिश ग्रामर टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही ईजी होता है। उसमें बस ये पूछते हैं कि यहाँ पे ए लगेगा, जैसे कि आई वेंट देयर, यहाँ पे ए लगेगा, द लगेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी होता है, इस चीज की टेंशन मत लेना। उसके बाद आपसे एक एसे लिखवाया जाएगा। ऐसे में क्या होगा, आपकी होम कंट्री के बारे में आपको बता देना है, फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, फेवरेट फेस्टिवल क्या है, आपकी हॉबी के बारे में, आपकी सिटी के बारे में, इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपका आ सकता है जिसके बारे में आपको कुछ भी ऐसे लिखना है। ऐसे में सिर्फ वो यही चेक करते हैं कि भाई इसकी इंग्लिश कैसी है, लिखने की इंग्लिश कैसी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जाती है एजेंट के पास, जो कि इंटरव्यू लेने के लिए आया होता है, जो भी इंटरव्यू लेना है उसके पास ये इन सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। वो अच्छे से इसको करता है चेक करने के बाद अगर आपका क्लियर हो गया तो वो बोलता है ठीक है भाई क्लियर है। उसके बाद वो आपको वर्बल इंटरव्यू लेता है, और अब वो बताते हैं आपको हम कि वो कैसे होता है। जो आपका वर्बल इंटरव्यू होगा उसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन ये लाजिम पूछता है कि टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। तो उसका आंसर कैसे देना है, समी टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। माय नेम इज समी, आई एम फ्रॉम इंडिया, हिसार हरियाणा, आई एम 12 पास एंड इन माय फैमिली वी हैव 5 मेंबर्स and my hobbies are play cricket, watch English movie and travel. Very nice. तो देखिए दोस्तों, समीर भाई ने कितना beautifully और कितना easily और कितने confidence के साथ एक नंबर का आंसर दिया है कि मैं ऐसे था, वैसे था, वैसे था। इसी तरह से आपको भी आंसर देना है, क्योंकि इस चीज में आपका वो क्या देखते कि भाई में confidence है कि ये आगे जाके किसी से बात कर सकता है, सिर्फ वो ये जानना चाहते हैं। बाकी का सारा काम तो एजेंट का है, जो भी कुछ आप समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से इंटरव्यू देना। इसके बाद वो आपसे पूछेगा, समीर भाई टेल मी समथिंग अबाउट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्मनेस, पेट्रोल द एरिया, ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट एवरीथिंग टू सुपरवाइजर, ऑल्सो एक्टिव ऑल द टाइम ऑन द ड्यूटी। ओके, नाइस, वेरी नाइस। So, Sami, why do you want to go to abroad? Why do you want to join security guard? Why do you want to go to UAE? I want to go to Dubai because I want to help my family, and I love security guard job because it gives us chance to enhance our personality. Also, it is my dream to visit Dubai. Okay, Sami, so Dubai is your favorite country, right? So, tell me something about UAE or Dubai. UAE, Dubai is best country to visit because it has everything. Big and huge like Burj Khalifa, Burj Al Arab, Dubai Mall. UAE has 7 Emirates: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman. Okay, Sami, as I can see that your confidence and your English and your body language, everything is perfect, and we will definitely let you know very soon. So kindly check your email, और आप एक बार आपके बंदे से भी बात कर लेना। तो thank you so much. तो देखिए गाइस, कितना इजीली से इंटरव्यू होता है इंडिया में। काफी लोगों ने पता है क्या वैसे ही हवा बना रखी है कि पता नहीं यार कैसा इंटरव्यू होगा, क्या कुछ होता है। बिल्कुल इजीली इंटरव्यू होता है, क्योंकि उनको भी बंदे सेलेक्ट करने होते हैं। और दुबई कोई ऐसी यूके अमेरिका जैसी चीज नहीं है कि यहाँ पे हर कोई इंग्लिश बात करता है, वो सिर्फ अफवाह बना रखी है। वैसे यहाँ पे 90% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जहां भी मैं जाता हूँ वहां पे हिंदी बोलने वाले आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि मोस्टली एशियन एम्प्लॉयज है दुबई में, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या और भी जो नेपाल से हो गए, श्रीलंकियन को भी हिंदी आती है, बांग्लादेश के हो गए, तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हमारे एशियन से है, तो ज्यादा परेशानी वाली दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंपली आपकी क्या होगी, वहां पे ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में आपको ये अच्छे से बता देंगे, जो भी यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन होगा ना, जो भी आपका सीरा टेस्ट होगा,
उसकी आपको ट्रेनिंग दे देंगे, 3 दिन क्लास लगेगी, लास्ट डे में एग्जाम हो जाएगा। जो आपका इस डे में हुआ है वही आपका लास्ट डे में ट्रेनिंग के डे में हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद 1 महीने के अंदर आपका वीजा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है जब आप इंडिया से किसी वेल रेपुटेटेड कंपनी में आते हो जिसकी सैलरी मोर देन, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसगार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांसगार्ड का इंटरव्यू कुछ इस तरीके से होता है। वहीं अगर आप विजिट वीजा पे हो और ये सोच रहे हो कि मैं सिक्योरिटी की जॉब ले लूँ, तो अभी काफ़ी कंपनी है, काफ़ी सिक्योरिटी कंपनी है, वो ऑलरेडी बंदे हायर कर रही है, उन्होंने क्या है CV सबमिट करवा रही है। अभी फॉर एग्जांपल ट्रांसगार्ड का ही ले लेते हैं, अभी ट्रांसगार्ड सोनापुर 16 में हायरिंग चल रही थी, काफ़ी बंदों ने वहाँ पे अपना CV ऑलरेडी डिपॉजिट करवा दिया है। और काफ़ी जो लोग ऐसे हैं जो सीरा भी कर चुके हैं, सीरा और अपने दम पे करवा सकते हैं, क्योंकि विजिट वीजा पे आके उन्होंने 1700 दिरहम का सीरा लिया, सीरा कार्ड बनवाने के बाद यहाँ पे अपना जॉब अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी अभी मिलनी मुश्किल हो रही है। खैर, मैं अभी आपको विजिट वीजा पे आके सीरा लेने की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। कहीं आप ये सोचो कि भाई अगर मैं सीरा लाइसेंस ले लूँ तो जॉब मिल जाएगी। अभी मेरे 5-6 नॉन पर्सन है, उसमें से आपने 2-3 को वीडियो में भी देखा है, जिन्होंने सीरा लाइसेंस ऑलरेडी बना लिया है, काफ़ी महीने हो गए उनको फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि एक तो रमज़ान आ गया है और रमज़ान के महीने के बाद भी, मतलब अभी जब बिजनेस स्टार्ट होगा उस टाइम आने का फ़ायदा, और जब भी राइट टाइम होगा दुबई में आने का उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात ये कि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो दुबई में इंटरव्यू होता है वो भी इसी के रिलेटेड होता है, सेम इसी तरह से होता है, बस उसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आपने हमारी ही कंपनी क्यों चूज़ की, जस्ट से कि दैट आई केम ऑन विजिट वीजा और आई सा योर एडवर्टाइजमेंट एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू गाइज बिकॉज आई हैव, मतलब जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करने जाओ उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाना, जिसके बाद आपको जॉब डेफिनेटली मिल ही जाएगी अगर उन्हें बंदों की जरूरत होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इसी के ऊपर थी, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू करना चाहूँगा मेरे समी भाई का जिसने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो थैंक यू समी भाई, और थैंक यू सभी आप लोगों का, आपने वीडियो इतनी देखी है। अगर कुछ और आपके क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो चेक जरूर कर लेना, और सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।